प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जारी किया मैनिफेस्टो। पंजाब कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। अमरिंदर सिंह दूर करेंगे पंजाब की समस्या। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय जो घटी है उसमें भी काफी कुछ सुधार की कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। पंजाब में 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, तो चुनावी घोषणा पत्र तो जारी हुआ, साथ ही अकाली सरकार पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र के जरिए हमला बोला गया है। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने पंजाब कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जारी किया। बहुत सारे वादे पंजाब की कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय जो घटी है उसमें सुधार लाने की बात कही गई है। 10 साल में पंजाब में कहीं विकास नहीं हुआ, नशे की जब्त में पंजाब रहा है, तो इससे भी इसको मुक्त कराया जाएगा। बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 ईयर्स, अर्लियर ऑल्सो पंजाब वॉज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म and it has inflicted great deal of damage on the economy and polity of Punjab. And the challenge before Punjab is to rise all above this din and recognize that the people of Punjab need a better tomorrow. This election manifesto is a forward-looking visionary document which promises the people of Punjab that we will undo the damage that was done to the Punjab economy by the previous government in the last 10 years. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पंजाब में पिछले 10 साल में विकास हुआ ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने पंजाब के बहादुर लोगों की तरक्की पर रोक और बाधा लगा दी है, और उस बाधा को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में और आपके आशीर्वाद और सहयोग से अब जीत की ओर अग्रसर है। पंजाब कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है। पंजाब चुनाव के बाद कांग्रेस की भूमिका पंजाब के विकास में क्या रहेगी, इसकी एक तस्वीर, एक वानगी इस मैनिफेस्टो के जरिए दिखाई गई है। हाल ही में पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं उसका भी जिक्र किया गया है। खासतौर पर नशा मुक्त पंजाब को किया जाएगा इसका दावा, और इसका एक टाइम फ्रेम भी सेट किया गया है। 4 हफ्ते के भीतर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। महिलाओं को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस घोषणा पत्र में दिए गए हैं। और साथ ही सरकार की तरफ से, जो इस वक्त सरकार है, अकाली सरकार है, उन्होंने जो पंजाब के विकास में ब्रेक लगाया है, उस विकास को रफ्तार देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। मनमोहन सिंह ने घोषणा पत्र जारी किया और एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही सूरत हाल में जबरदस्त बदलाव आएगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता सर्वमित्र इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सर्वमित्र, जिस तरह की तस्वीर दिखाई गई है पंजाब कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा चुनावी लॉलीपॉप भी नजर आता है जिससे कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और तमाम पार्टियां चुनाव के वक्त ऐसा ही करती हैं। जो मैनिफेस्टो होता है उसमें बहुत बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद शायद वो अपने मैनिफेस्टो को भूल जाती है कि हमने क्या क्या वायदे किए थे। निश्चित तौर पर पंजाब कांग्रेस की ओर से बहुत बड़े बड़े वायदे यहाँ पर पंजाब के लोगों के साथ किए जा रहे हैं कि VIP कल्चर हम खत्म करेंगे, हम जो है होता है महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ है, किसान के लिए बहुत कुछ कहा गया है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पंजाब की सरकार बनाते हैं तो ये आपको दिया जाएगा। शुक्रिया सर्वमित्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।